का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से प्रदेश में ई लाइसेंस और ई आरसी की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। 1 अप्रैल से आवेदकों को स्मार्ट कार्ड की जगह उनके मोबाइल पर पीडीएफ फॉर्मेट में लाइसेंस और आरसी मिलेगी, लेकिन विभाग की ये नई शुरुआत लोगों की परेशानी को भी बढ़ा सकती है। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। परिवहन विभाग 1 अप्रैल से प्रदेश में ई लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। सादुल शहर जिला परिवहन कार्यालय में इस व्यवस्था की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत भी हो गई है, लेकिन शुरू होने से पहले ही विभाग का ये नया प्रयोग सवालों के घेरे में आ गया है। परिवहन विभाग के जानकार और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि विभाग की नई योजना लोगों को राहत देने के बजाय उनकी परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान के बाहर दूसरे प्रदेशों में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के लोग भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त डीजी लॉकर में दर्ज दस्तावेजों को नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी कई जगह परिवहन विभाग और यातायात पुलिस डीजी कार्ड को मान्य नहीं करते। ऐसे में पीडीएफ या साधारण कागज पर प्रिंट वाले ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को मान्य कैसे किया जाएगा? परिवहन विभाग की इस नई व्यवस्था से ट्रांसपोर्टर्स और दूसरे राज्यों में आवागमन करने वाले लोगों को चालान होने का डर सता रहा है, क्योंकि नेशनल परमिट के ट्रक चालक कई राज्यों में गाड़ी चलाते हैं। इन राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी मोबाइल में या प्रिंट दिखाकर स्वीकार होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खासतौर पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में वहां की यातायात पुलिस काफी सख्त होती है। ऐसे में इन शहरों में नई व्यवस्था आने के बाद लोगों को परेशानी होना तय माना जा रहा है। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और आरसी की भी जो आरसी की है, सरकार का नियत है कि भ्रष्टाचार खत्म करने का, लेकिन इसमें हर जगह ऑल ओवर इंडिया मान्यता नहीं देते हैं, अदर स्टेट मानता नहीं है, ओरिजिनल आरसी रखनी पड़ती है। तो इनको इंडिया लेवल पे ये करना चाहिए और इंडिया लेवल पे सब स्टेट मान्यता दे, तब इसको करने में फायदा। ट्रांसपोर्टरों से भी इन्होंने राय नहीं ली, इसलिए ट्रांसपोर्टरों से राय लेनी चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करे। यही हमारा परिवहन विभाग और भद्रलाल की सरकार से निवेदन है। इस पूरी व्यवस्था पर परिवहन विभाग का तर्क है कि ये व्यवस्था उड़ीसा में शुरू हो गई थी, लेकिन वहां 3 महीने के बाद इसमें आने वाली परेशानियों को देख इसे बदलते हुए इस स्मार्ट कार्ड देने का विकल्प भी शुरू किया गया था। प्रदेश का परिवहन विभाग नई योजना को वैकल्पिक तौर पर शुरू कर सकता है, जिसमें आवेदकों को लाइसेंस और आरसी का स्मार्ट कार्ड लेने का भी विकल्प मिलता है। अब आपको इस नई योजना में आने वाली परेशानियों को बताते हैं। देश के अधिकतर राज्यों में मोबाइल में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी मान्य नहीं होती, इसलिए नेशनल परमिट पर चलने वाले ट्रक चालकों को परेशानी होना तय है। भारत सरकार ने इसी तरह का प्रयोग कर डीजी लॉकर सेवा शुरू की थी, लेकिन बहुत से राज्यों में, यहां तक कि राजस्थान में भी कई जगह डीजी लॉकर के दस्तावेजों को परिवहन विभाग के अधिकारी स्वीकार नहीं करते। ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी होता है, ऐसे में बिना स्मार्ट कार्ड के इसे एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करने में परेशानी होगी। गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेचने के लिए ई आरसी के कारण परेशानी आना भी तय है। हर समय मोबाइल में ही ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई आरसी का प्रयोग करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। फाइनेंसर अगर गाड़ी पकड़ते हैं तो उस गाड़ी को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने में परेशानी आना भी तय है। ई लाइसेंस और ई आरसी की व्यवस्था से आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ई लाइसेंस और ई आरसी का प्रिंट एक साधारण कागज पर लिया जाएगा और अप्रमाणित फोटोकॉपी जैसा प्रतीत होगा। पूर्व में कोविड के समय आने वाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेटों में इस तरह की गड़बड़ी सामने आ चुकी है। नई व्यवस्था सिर्फ स्मार्टफोन में लागू होती है, जबकि अभी भी 25 से 30% चालकों के पास स्मार्टफोन नहीं है। हालांकि परिवहन विभाग को लोगों को होने वाली संभावित परेशानियों को देखते हुए समय रहते इस योजना में बदलाव करना चाहिए। मोबाइल पर ई लाइसेंस और ई आरसी के साथ ही स्मार्ट कार्ड का वैकल्पिक विकल्प देना अधिक बेहतर फैसला होगा। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।